आप में से कौन है जिसको कोई सब्जेक्ट मुश्किल लगता है? फिजिक्स किसको मुश्किल है? फिजिक्स आपको लगती है? आप पढ़े हुए? आपको कौन सी मुश्किल लगती है? फिजिक्स ही लगती है। चले मैथ्स किसको मुश्किल लगता है? वैसे जिसका मैथ्स मुश्किल है उसको फिजिक्स भी अक्सर लग रही होती है। आप पढ़े हुए? मैथ्स मुश्किल लगता है जी। अच्छा इसमें तुम केमिस्ट्री वाले बैठे हैं, शेर जवान केमिस्ट्री जिनको बुरी लगती है मुश्किल लगती है, खड़े हो हाँ जी। अच्छा यूनिवर्सिटी के अंदर एक और भी तूफान खड़ा था, एक और तूफान था जिसको हमने ये तूफान दिखाया और उन्हें कहा कि भी देखें अगर आप इस्लामी यूनिवर्सिटी से भी मुराद है, अगर आपने कलिमा पढ़ लिया ना तो आप कलिमा पढ़ने के बाद आपको क्या करना है? फॉलो, आपको फॉलो करना ही करना है। अब तुम तो आप ये नहीं कह सकते मेरी ये जाति में, ये नहीं कह सकते। अब आपको फॉलो करो, या तो तुम मुसलमान बन गए हो या फिर कम अज कम इस्लाम की वजह से इनको टैकल भी किया था तो एक और फितना खड़ा होगा। इन्होंने कहा भाई साहब मैं यूनिवर्सिटी का स्टूडेंट, मेरे को सेकुलर राइट्स है, ये जो मैथ का है ना पीरियड, ये मैथ की जो टाइम स्लॉट है ना, ये मुझे प्रॉब्लम देती है, मुझसे भी शुरू होगा जाता कौन ले आए ना मेरी क्लास का, ये सेकंड में होनी चाहिए, 12-1 बजे होनी चाहिए, इवनिंग में होनी चाहिए, इसके जो सेटअप्स आ रहे हैं वो इन दिनों में नहीं होने चाहिए, फला दिनों में होने चाहिए। इन्होंने टाइम टेबल का रोला डाल दिया, उन्होंने रोला डाल दिया कि देखिए जी मुझे भी मुझे कुछ और होना चाहिए, मैं केमिस्ट्री फला टीचर से नहीं बोलूँ, फला टीचर से मैं केमिस्ट्री नहीं बोलूँगा, बस मुझे छोड़ा जाए। इनके पीछे भी 40-50 बंदे जुड़ गए। इन्होंने कहा मैथ्स है, ये मैथ्स वाले दोस्त ने कहा देखिए जी मैथ्स में से बाकी तो सब ठीक है, सब मैथ फॉलो करूंगा लेकिन थ्योरम मैं नहीं पढ़ूंगा, अलजेब्रा मैं नहीं पढ़ूंगा, इस्लाम सारा ठीक है, नमाज पढ़ लेंगे, रोजा रख लेंगे, हज करेंगे, हम मेरी बात समझ ले मैं जहां से बोल रहा हूं, सब करेंगे लेकिन मैं थ्योरम और अलजेब्रा नहीं पढ़ूंगा, बस ये मेरे सेकुलर राइट्स है, मैं जो चाहूं करूं, मेरी आजादियां हैं, आखिर मैं इंसान हूं, मुझसे जबरदस्ती मैथ पूरा क्यों पढ़ाया जा रहा है? तो ये डिपार्टमेंट ये कर बेटा देखो, अगर तुम रियाजीदान बनना चाहते हो और अपने आप को वाकई तुम इंस्टीट्यूशन के अंदर रखते हुए रियाजी सीखना चाहते हो, मैथ सीखना चाहते हो, तो तुम्हें क्या पढ़ना पड़ेगा? पूरे का पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा, पूरे का पूरा मैथ पढ़ना पड़ेगा। और अगर आप इदारे में रहना चाहते हैं और मुसलमान बन के रहना चाहते हैं, एक अच्छे डिसिप्लिन स्टूडेंट बन के रहना चाहते हैं, तो जो टाइम टेबल आप लोगों को दे रखा है, जो टीचर दे रखा है, उसी के पास आप पढ़ो, उसी बात इसी दौरान एक और तहरीक खड़ी होगी। आप बैठिए जरा, आप में से खड़े कौन है? ज्यादा लोग खड़े हैं, आप जरा खड़े होइए। ये वहां कोई किसी यूनिवर्सिटी उसी यूनिवर्सिटी के एसोसिएट प्रोफेसर थे, ये क्या थे एसोसिएट प्रोफेसर या प्रोफेसर थे, माशाल्लाह पीएचडी कर रखी थी इन्होंने। इन्होंने कहा कि डीन तो मुझे होना चाहिए, बस यूनिवर्सिटी का डीन या डिपार्टमेंट का डीन या यूनिवर्सिटी का सॉरी यूनिवर्सिटी का तो हाँ, मुझे मुझे डीन डिपार्टमेंट का भी होना चाहिए, मेरे को राइट्स है, मुझे डीन होना चाहिए। ये डीन क्यों मेरे फैसले करता है? मैं भी तो फैसले कर सकता हूँ ना, या चंद प्रोफेसर मिलकर अलहदा से भी तो फैसले कर सकते हैं। मुझे आप ईमान से बताइए, मुझे ईमान से बताइए, क्या इस तरह के मुंतशिर माहौल के अंदर तालीम हासिल की जा सकती है? क्या ऐसे इदारे को इदारा कहा जाएगा? क्या ऐसे तलबा को तलबा कहा जाएगा? क्या ऐसे तो स्टूडेंट को स्टूडेंट कहा जाएगा? नहीं कहा जाए तो ऐसे मुसलमानों को मुसलमान कैसे कहा जा सकता है कि जो कहें कि मस्जिद में हम अल्लाह को मानेंगे बाहर नहीं मानेंगे, हमारे सेकुलर राइट्स, रोजे की हालत में हम अल्लाह को मानेंगे बाहर नहीं मानेंगे, हम हज के दौरान हम अल्लाह के बताए हुए उसूल के मुताबिक 7 चक्कर लगाएंगे, 8वां भी नहीं लगाएंगे, सवाब के तौर पे भी लगाएंगे। मैं मिसाल देता हूं, कोई बंदा हज के दिनों में हम जब चक्कर लगा रहे होते हैं तो 7वें के बाद अगर 8वां लगा लिया जाए तो फायदा किसको हो? अजर बढ़ेगा ना, अजर बढ़ेगा असूली तौर पर, अजर बढ़ेगा ना, आपने नेकी का काम ज्यादा ही कर रहे ना, 7 से कम करेंगे तो किसी चीज की कमी कर रहे हैं ना अच्छे काम की, लेकिन 7 से 8 कर रहे हैं तो किसी अच्छे काम की क्या कर रहे हैं आप, जैसे 2 से 2 से 3 कर रहे। ये बंदा कहे कि मैं मैथ्स तो बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, एक की बजाय 4 मिनट ले लूंगा जी मैथ्स, लेकिन केमिस्ट्री नहीं पढ़ूंगा, मेरे सेकुलर राइट्स मुझे अच्छी नहीं लगती, मुझे अच्छी नहीं लगती,
फर्ज भी पढ़ूंगा, नवाफिल भी पढ़ूंगा, वैसे भी नफर पढ़ता रहूंगा सुबह दोपहर शाम, लेकिन ये सूदी मईशत और ये पर्दा और ये हयादारी और इस्लामी तहजीब और इस्लामी मुआशरत और इस्लामी अदालत और कचहरी, ये मेरे से पर मैं इस मामले में इस्लाम की नहीं मानूंगा। रब की नमाज के मुताबिक पढ़ूंगा और बार बार मुझे बताएं, जिस तरह वो एक अच्छा स्टूडेंट नहीं हो सकता और उसे यूनिवर्सिटी में रहने का वो हक हासिल, और उसे आबिद और आबिद और जाहिद कहलाने का या अच्छा स्टूडेंट कहलाने का हक हासिल नहीं है, तो ऐसे मुसलमान को किस तरह एक अच्छा आबिद और जाहिद कहलाने का हक हासिल, क्या इसको हक हासिल, इसको भी हक हासिल।